देसी घी है। ये शुद्ध देसी घी। हाँ जी। ब्रेड पकौड़े की दुकान पे जाके कहते हैं अब क्या खाना है। लाल भाई क्या खाने वाले हो आज, एक बार बताओ। लिट्टी चोखा खाते हैं यार। लिट्टी चोखा तो भैया बिहार में ही फेमस है, यहाँ क्यों आए हो खाने? करोड़पुर में फेमस है। चलो अंकल जी से पहले बनवाते हैं। अंकल जी लिट्टी चोखा की आपने फ्रेंचाइजी ले रखी है या आपका खुद का है? खुद का है। खुद का आपका? अच्छा चलिए ठीक है, आप लगाइए लिट्टी चोखा, लगाइए हमारे लिए। बढ़िया बढ़िया अंकल जी चीजें डालना। और इसे खाने के बाद अंकल जी ये कह रहे हैं कि भाई अगर अंकल जी का आपने लिट्टी और चोखा खा लिया ना तो यूपीएससी में अंकल जी की दुआ है कि भैया डीएम बन जाओगे या एसपी बन जाओगे सिटी में जाके। जब तक लिट्टी नहीं खाया जब तक मजा नहीं आएगा। एक बार लिट्टी खा लोगे तो उसके बाद अंकल जी प्यार से बता दो क्या क्या चीजें आपने डाली। ये चटनी है, सलाद है, सलाद है, ये चटनी है। ये किस चीज़ की चटनी है? ये तो ये बादाम की चटनी है। बादाम की चटनी। हाँ जी। और ये चोखा है। ये चोखा है। चोखा में क्या क्या डाल रखा अंकल जी? ये आलू का है, सिर्फ बैंगन भरता का है? आलू, बैंगन, टमाटर। ठीक है। ये अपना देसी घी है? ये शुद्ध देसी घी। हाँ जी। ठीक है। गरम है ना? गरम गरम है। जब भी आएगा इंसान को गरम मिलेगी। हाँ जी। बढ़िया। और अंकल जी कोई आना चाहता है तो एक लोकेशन बता दो, कोई आना चाहता है तो। यहाँ शंकर चौक बोलते हैं। शंकर चौक। हाँ जी। ठीक है भाई। लिट्टी चोखा आ चुका है भाई, एक बार ट्राई करता हूँ। मैं थोड़ा कम खाया, प्रिंस भाई तो बिहार से वो खाते रहते हैं, लेकिन मैं थोड़ा कम खाया और ये देख के तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बादाम की चटनी है इसमें, देखो कैसा लग रहा है भाई देख के। क्या टेस्ट करके बताते हैं भाई आपको। देखो मेरे भाई, मैंने आपको क्या बताया था, राहुल भाई तो वैसे भी रहने वाले यूपी के हैं और इनका बचपना जो है भैया दिल्ली में रहे हैं, तो इन्हें ना यूपी का पता है सही से ना इन्हें बिहार का पता है। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मैंने इनको एक दो बार जो है ना लिट्टी और चोखा अपने घर का खिला रखा, तो राहुल भाई बताएंगे किस तरीके का मेरा घर का लिट्टी और चोखा होता था जो मम्मी अपने हाथों से खिलाती थी, बता दो भाई। भाई एकदम अंगीठी में गरम गरम लिट्टी एकदम ऐसे डाल के हाथ से और ऐसे हाथ से निकाल लिया और फिर उसको गरम करके साफ करके भाई जो उसका तोड़ के उसमें चोखा गरम गरम चोखा डाला जाए उसका अलग टेस्ट है भाई, देसी घी के साथ। अब मेरा कहने का मतलब ये है, कई लोग मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि भाई जबरदस्ती का बंदा तारीफ कर रहा है। मेरा भाई ये तारीफ नहीं कर रहा है, ये अपने दिल की बात बता रहा है जो इनको अच्छा लगा। अपने मम्मी का हाथ का हर कोई किसी को खाना पसंद होता है, तो भाई को मैंने तीन चार बार करा रखा। अच्छा लिट्टी और चोखा में वैरायटी होती है। एक बार इनको मैंने सत्तू वाला खिला रखा, सत्तू वाले के अलावा एक उसमें ना मम्मी आलू डाल देती है, तो आलू का भी एक लिट्टी होता है, तो वो वाला भी इन्होंने खिला रखा। लेकिन आज मैं आ रखा था करोल बाग। अब करोल बाग में आपको पता है यहाँ किस लिए भीड़ होती है, ओल्ड बाजार है राजेंद्र नगर के पास, तो आप टेस्ट करके बताते हैं यार किस तरीके से टेस्ट हो रहा है। इतनी सारी मैं आपको कहानी बता दी, फटाफट टेस्ट करके आपको बताते हैं। प्राइस भी जो है ना अंकल जी का एकदम रीजनेबल है, तो राहुल भाई लिट्टी खा के बताओ किस तरीके का हो रहा है। ठीक है यार, लिट्टी गर्म है यार, दोपहर के टाइम में गर्म करके रखी है। इसमें है भाई देखो गरम गरम इसमें भाई क्या रखा है, तो वहां पर अगर आपको दिख रही होगी तो इसमें सत्तू, सत्तू कह रहे हैं इसको, क्या कहते हैं सत्तू कहते हैं, सत्तू डाल रखा है भाई। भाई मैंने आपको बताया था ना ये है आपकी बादाम की चटनी, बादाम की चटनी के साथ खाते पहले। बिहार में इसको बादाम कहते हैं, दिल्ली में इसको मूंगफली कहते हैं, ये चीज मैं आपको बता दूं। इसको बिहार में बादाम कहा जाता है और दिल्ली में आपको अपने यहाँ मूंगफली कहा जाता है। भैया ने ये वाली चटनी भी दे रखी है, सलाद भी दे रखा है, किसी चीज की दिक्कत नहीं है मेरे भाई। बढ़िया से शहर में घूम रहे हो, खाने पीने का मन हुआ नाश्ता टाइप का, भाई भाई वैसे चिल्ला रहे थे सुबह से, कह रहे भाई कुछ खिला दे पिला दे। मैंने बोला चलो यार तुम्हारी इच्छा शक्ति पूरी कर देते हैं, भाई के पास आ रखे थे लिट्टी इनको खिलाया जाए और खा के देखो कितने मजे से खा रहे हैं, बोलने तक बोल भी नहीं रहे हैं, खाने में बिजी है भाई। भाई टेस्ट तो काफी अच्छा है इसका। इसमें ना मेरे को सरसों का तेल की वो आ रही है टेस्ट, चोखे में सरसों का तेल का टेस्ट आ रहा है, सरसों का तेल डलता है इसमें। जो जो मेनी बेसिकली जो होता है ना लिट्टी, जो चोखा जो इसमें सत्तू होता है, सत्तू में क्या क्या चीजें डालती है जो मम्मी लोग बनाती है, तो मैंने देखा है भाई, मैंने तो बनाया नहीं, मैं अपने दिल की बात बता दूं, लेकिन जो मम्मी लोग बनाती है तो उसमें क्या क्या डालती है, अजवाइन डालती है, उसमें लहसुन डालती है, उसमें मिर्ची डालती है। हमारे यहाँ बिहार में क्या होता है कि जो मिर्ची का मसाला होता है ना, इसको भड़ुआ मिर्ची कहा जाता है, उसका भी मसाला लेकिन मम्मी लोग बताते हैं कि अचारी, थोड़ा सा अचारी स्वाद आता है। हालांकि अंकल जी के पास ऐसा नहीं, अंकल जी के पास एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल खाने का अगर मन होता है ना तो अंकल जी के पास आ जाओ, कोई ऐसा खास नहीं है, लेकिन ये है कि अच्छा है। आप कम पैसे में अगर आपको लिट्टी खाने का मन है तो आ जाओ। और यार एक बात बताओ ना, लिट्टी भी अगर चालू हो गया तो अच्छी बात है ना। आप लोग अभी तक क्या खाते थे दिल्ली वाले लोग? छोले कुलचे खाने पसंद है, राहुल भाई को सबसे ज्यादा ब्रेड पकौड़ा खाने का पसंद, इनको पसंद है ब्रेड पकौड़ा। जैसे दिन भर होते जा रहे हैं, इनको मैंने तीन चार बार बोल भी दिया कि भाई ब्रेड पकौड़ा खाना बंद कर दो। भाई क्यों नहीं खाते हो, बंद करते हो आप? ब्रेड पकौड़े की दुकान पे जाके कहते हैं अब क्या खाना है। ब्रेड पकौड़े की दुकान पे जाके क्या खाओगे आप? ब्रेड पकौड़े खाओगे ना।
या लिट्टी चोखा होता है और एक दाल बाटी चूरमा होता है, वो दोनों सेम होते हैं क्या? नहीं, सेम सेम नहीं लगता, क्योंकि वो दोनों ऐसे ही वो होने जो गोल गोल इनका बनता है, आटे का बनता है, आटे का बनता नहीं, आटे का बना के ऐसे जो गर्म गर्म भट्टी में डालते हैं वैसे ही बनता सेम। तो कहाँ की डिश है दाल बाटी? तो मैंने राजस्थान की सुनी है भाई, सुनी गया है ही वहीं की है, बट आपकी वो एमपी में भी मिलती है? देखो मिलने को तो मान लीजिए ये बिहार की डिश है, आपको मिल कहाँ रही है? दिल्ली में मिल रही है। दिल्ली की कोई खुद की डिश तो है नहीं ना यहाँ की, दिल्ली में ज़्यादातर लोग दिल्ली के हैं, कहते हैं दिल्ली के, लेकिन इनके जो पेरेंट्स हैं या दादा लोग हैं सारे लोग कोई बिहार यूपी कोई उत्तराखंड हर जगह के लोग हैं। आपको दिल्ली ऐसे शहर में खाने की डिश भी वैरायटी मिल जाएगी। जो दाल बाटी होती है ना उसमें फ़र्क ये होता है कि इसमें जो लिट्टी है इसमें सत्तू डाल रखा है, तो इसमें सत्तू से डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हो, उसमें सत्तू नहीं होता और उसमें उसको भी देसी घी में ही डिप करके खेलते हैं और साथ में उसमें डाल वहाँ रखते हैं दाल। दाल में जो दाल के खाने का मजा है ना उसका भी मजा अलग है। लेकिन यार आज दाल बाटी क्यों हम डिस्कस करेंगे, आज बात करेंगे भाई के साथ। और देखो भाई कितने मजे से खा रहे हैं। भाई चोखा तो आपने सारा खा लिया भाई, टेस्टी बना रखा, तो खाएंगे क्यों नहीं? सही चीज़ डाल रखा है चोखा में। देखो अंकल जी ने क्या क्या डाल रखा है, बैगन, इसमें बैगन डाल रखा है, इसमें देखो हल्का फुल्का जो आप लोग देख रहे होंगे वीडियो में मेरे, उसमें उसका चीज़ डाल रखा है, क्या बोलते हैं टमाटर डाल रखा है, और अच्छा मजा आ रहा है। कम पैसों में क्या भाई जान लोगे, सही मिल रहा है, पेट भरने वाली चीज़ है। गर्मी में आप लोग कहते हो कि भाई थोड़ा हल्का फुल्का आइटम दिखाया करो खाने के लिए। भाई बहुत, आपने ब्रेड पकौड़े खा लिए, समोसा खा लिया आपने, भटूरे क्या नाम है कुलचे उलचे खा लिए, लिट्टी चोखा भी खा कर देखते हैं, और काफ़ी टेस्टी है जेन्युइनली। जो इनकी बादाम वाली चटनी थी बहुत ही बढ़िया, ऊपर से जो चोखा है काफ़ी यूनिक टेस्ट है। आप नॉर्मल ऐसा चोखा आपने कभी खाया नहीं होगा, चोखा कहते हैं आपका भरता, बैंगन का जो भरता कहते हैं ना उसे चोखा कहते हैं, अलग तरीके से प्रिपेयर होता है वो, उसको मिक्स करके बनाते हैं, भूंज के जो बोलते हैं ना, भूंज के मतलब कचूमर बना के उस तरह से बनाते हैं, और काफ़ी टेस्टी हो रहा है। आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, और सिर्फ आपको ये पूरी प्लेट ना 45 रुपये मिलेगी भाई, पूरा वर्थ इट है। आप भी खाओ, अपने घर वालों को खिलाओ, अपने दोस्तों को मिलाओ, या ज़रूर लेके आओ, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जो लोग बिहार से मेरी वीडियो देख रहे हैं उन लोगों को टैग कर देना है लिट्टी खाने के लिए स्पेशली। फिर मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।